हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद शीतल। चाय तो हम सबको बहुत पसंद होती है। बहुत सारी चाय हम सब पीते हैं, मसाला टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी और बहुत सारे फ्लेवर वाली टी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चाय पी जाती है वो है मसाला टी। सर्दियों में और ख़ासकर बरसात में हम सबको मसाला चाय पीना बहुत पसंद होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इसके अंदर जो मसाले होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मसाला टी का मसाला बनाना। यहाँ पर मैंने आधा इंच दालचीनी ली है और ये मैंने जायफल लिया है। ये छोटा पीस है, अगर बड़ा पीस है तो आप उसको हाफ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ लौंग ली है, आप 2 से 4 लौंग ले सकते हैं अपने अनुसार, जैसा फ्लेवर आपको पसंद है। और काली मिर्च 6 से 8 काली मिर्च, और ये मैंने यहाँ पर तुलसी सुखा के ले ली है। जैसे हम मेथी या पुदीना सुखाते हैं उसी तरीके से तुलसी को तोड़ के धो के आप इसको धूप में या माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं। साथ ही मैंने 8 से 10 पीस इलायची के ले लिए हैं। ये हमको साबुत ही लेने हैं पूरे के पूरे। अब हम आते हैं सौंफ और सौंठ यानी जिंजर पाउडर। ये मौसम के अनुसार हमको लेना है। अगर गर्मी है तो आप सौंफ की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दें और अगर विंटर है तो आप सौंठ थोड़ा बढ़ा लें। यहाँ पर मैंने केसर के 8 से 10 धागे लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन है, आपको नहीं डालने हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मौसम के अनुसार अगर आप चाय बनाएंगे तो ये उतना ही अच्छा रहेगा, उसकी तासीर अच्छी रहेगी। अब हम इन सभी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। हमको हल्का सा सिर्फ इनको गर्म करना है, हमको इनको भूनना बिल्कुल भी नहीं है। इसको कम से कम 30 से 35 सेकंड में ये काम हो जाएगा। ध्यान रखिए मैंने यहाँ सौंठ पाउडर और केसर को नहीं डाला है, बाकी सब मसाले मैंने इसमें डाल के हल्का सा भून लिया है जिससे इनका मॉइस्चर निकल जाए। अब मैंने गैस बंद कर दी है। अब हम इन मसालों को ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखिए हमको इनको गर्म नहीं पीसने हैं, वरना मसालों के अंदर का जो ऑयल है वो बाहर निकल आएगा और मसाले गीले गीले हो जाएंगे, चिपचिप करने लगेंगे। मेरे मसाले ठंडे हो गए हैं, अब मैं इनको पीस लूँगी। एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ 15 से 20 दिन का ही मसाला बनाएं, ज़्यादा लंबा ये मसाला नहीं रखें, वरना इस मसाले का अरोमा और स्वाद बदल जाएगा। देखिए मैंने इसको पीसते टाइम केसर और ड्राई जिंजर पाउडर डाल लिया था, अब हम इसको छान लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शन है, आप छानना चाहते हैं तो छानें, वरना आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको छान लिया है और छलनी में जो मोटे मोटे पीस बचेंगे आप चाहे तो इनको दोबारा से मिक्सी में पीस सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही इंस्टेंटली चाय में डालकर चाय का मसाला बनाते बनाते चाय का स्वाद ले सकते हैं। हमारा मसाला बनकर रेडी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक और बता रही हूँ, जो छलनी में जो मसाला बच गया था मैंने उसको अपनी चाय की पत्ती में मिक्स कर लिया है। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब आप जब भी चाय बनाएंगे तो आपको चाय के मसाले का स्वाद जरूर आएगा। मैंने इसको सूखे कांच के डिब्बे में डाल लिया है। आप इसको थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो उसका अरोमा और स्वाद बरकरार रहेगा। देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि जैसे कहावत है, जितने घर उतनी तरह की चाय। हर घर की चाय का एक अलग ही फ्लेवर होता है, ये तो हम सब भी जानते हैं। साथ ही हर घर में चाय बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। खैर जैसी भी चाय है, चाय पिएं, जब भी मन करे तब पिएं। चाय अकेले में या फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ चाय पिएं, एंजॉय करें और इस मसाले को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।